असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट नोएडा हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर जी, आपसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अमर उजाला में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस और आप कुछ अमर उजाला के बारे में कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और ये जो गाँव की थीम पर जो गाँव महोत्सव बनाया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में तो पहला कार्यक्रम है, इसके लिए अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई। और इस प्रकार के कार्यक्रम सब जगह होने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जितने भी शहर हैं आज की तारीख में सब ओवरक्राउडेड हैं, जनसंख्या प्रदूषण से पीड़ित हैं, आवश्यकता है हमें फिर से गांवों की ओर लौटने की। और गांवों में जिस बात को हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब कहते थे कि यदि हम भविष्य का भारत बनाना चाहते हैं तो हमको अपने गाँवों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, हमको अपने गाँवों में ही वो सारी सुविधाएँ प्रदान करनी पड़ेंगी जो शहरों में हैं। उस दृष्टि से इस प्रकार के जो गांव महोत्सव के जो कार्यक्रम हैं, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएंगे, और इसके लिए मैं अमर उजाला का बहुत बहुत साथ दूंगा। सर, दशकों से, इतने सालों से अमर उजाला ग्राउंड पर काम कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे अमर उजाला के बारे में और दर्शकों के बारे में जो उसको उनको पढ़ते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ नहीं कि अमर उजाला ने आज भी अपनी निष्पक्षता बनाकर रखा है, खबरों के मामले में हो, उसकी गुणवत्ता के मामले में हो, हर मामले में अमर उजाला ने अपने आप को आज भी जो लोगों के दिल में, जब भी हम बात करते हैं कि ऐसा अखबार जो हम जहाँ निष्पक्ष खबर देख सकते हैं, तो सबसे पहले जुबान पर लोगों के अमर उजाला ही आता है। तो ये बहुत बड़ी थाती है अमर उजाला की, जिसको उसने बना के रखा है, और इसके लिए निश्चित रूप से अमर उजाला और अमर उजाला की टीम के प्रत्येक सदस्य बधाई देता हूं। आज जो महोत्सव मनाया जा रहा है गाँव महोत्सव अमर उजाला की तरफ से बुलंदशहर में, यहाँ पर आज कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा, कैसा लगा आपको यहाँ पर पहुँचकर मौजूद होकर? यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके चेहरे ही बता रहे हैं जो लोग कितने खुश हैं इस महोत्सव से, और बच्चों का चाहे जोश देख लीजिए, चाहे युवाओं का देख लीजिए, और जो कबड्डी का जो गेम चल रहा है उन बच्चों के चेहरे की चमक देखिए, हर आदमी यहाँ से खुश है। और मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम में अब गाँव का विकास हो, गांव-गांव तक ऐसे कार्यक्रम जाएं और अमर उजाला हर जगह कार्यक्रम करता हुआ जाए। बिल्कुल, मेरी शुभकामना एकदम। चेयरमैन सुधीर गोयल जी को, कृष्णा ऑटो के चेयरमैन के शर्मा जी एवं गगन शर्मा जी को, हमारे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र जी का वो स्वागत करने के लिए, वैभव कॉलेज के चेयरमैन चमन लाल शर्मा जी को, CIMT के चेयरमैन अनिल चंदेल जी को, सभी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के अवसर पर जो हम अमर उजाला का गांव महोत्सव मना रहे हैं, इस बीच जनपद का गौरव, जनपद को गर्वित करने वाले, जनपद का नाम बढ़ाने वाले और भारत माता की रक्षा करने वाले। अमर उजाला गांव महोत्सव में आज हमारे साथ में परमवीर चक्र सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आज उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगता है आज के युवाओं को लेकर, वो क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर अमर उजाला पर। मैं अमर उजाला परिवार के तमाम सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और ख़ास करके बुलंदशहर जिले के अंदर अमर उजाला गांव महोत्सव मना रहा है। ये एक बहुत पुराना समाचार पत्र है जिसको पढ़ करके हम बड़े हुए थे, और आज भी इसको पढ़ रहे हैं। बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसने भी अपना विस्तार किया और नए आयाम को इसने अपने अंदर समाहित किया। आज का ही एक प्रोग्राम एक उस नए आयाम के अंदर ही है कि शहरों की बातें जब गाँव में जाया करती थी, गाँव की बात शहर आया करती थी, आज गाँव के लोगों को शहर के अंदर जोड़ने का काम अमर उजाला कर रहा है। तो ये एक अद्भुत प्रोग्राम है, अद्भुत एक ऐसे ये दृश्य दिखते हैं जब लगता है यहाँ आने के पश्चात आप सभी से युवा, क्योंकि आज मैं चारों तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ अमर उजाला की वो यूथ चारों तरफ हर घंटे बाद एक लकी ड्रॉ निकलेगा और सभी के लिए यहाँ से प्राइज मिलेगा। जो भी यहाँ पर उपस्थित है वो रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, जिन्होंने करा दिया है वैलेंट गुड, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो लकी ड्रॉ में हम उनका नाम शामिल नहीं करेंगे, इसलिए अगर छूट गए हैं युवाओं ने अपने देखिए कबड्डी के बाद
लकी ड्रॉ निकलेगा। अगर आपका किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। विश्व में हर घंटे में यहाँ पर भी है एक सरप्राइज है की कि लकी ड्रॉ से आपको यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा और वो सरप्राइज तभी पूरा होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हम ये न्यूज पेपर रजिस्ट्रेशन हुआ है लकी ड्रॉ में उन्हें ही शामिल किया जाएगा। वो एक तो प्लीज नोट डाउन करें, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तुरंत रजिस्ट्रेशन करा। समाचार ये शाब्दिक वो आपके मोटिवेशनल है जो आपको बोल करके नहीं बल्कि लिख करके आपको बताया जा रहा है और जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं जब उनको हम पढ़ते हैं तो वो सीधे हमारे हृदय में उतरती हैं और जब हृदय में उतरती हैं तो हम उसको सोचने पर विवश होते हैं। जब सोचते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है और जब समझ बढ़ेगी तो हमारी बुद्धि का विकास ही होगा। यानी हमारे देश के जवानों की आपकी जितनी तारीफ हो कम है, लेकिन आज के युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति के लिए भी तैयार होते हैं अपने देश के लिए, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तान की धरती है तो जप की तप की ज्ञान की विज्ञान की पोषाद की परमार्थ की वीरों की वीरांगनाओं की धरती है और इस भारत माँ ने जब एक शीश मांगा है तो इस हिंदुस्तान के लाखों बेटे और बेटियों ने अपने शीशों को कुर्बान किया। तो जो हमारे नौजवान सेनाओं में जाकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर के देखिए, अभी मैंने जैसा बताया कि आप सीमाओं अवश्य कराएं, लकी ड्रॉ निकलेगा, आंतरिक सुरक्षा का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं का नाम लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। हर घंटे बाद एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके बाद आप लोग सभी बैठे हैं यहाँ पर, स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप सभी स्टॉल्स विजिट करें, देखें, घूमें क्या क्या नई नई चीजें लगी हैं। जो हमारा गांव महोत्सव है उसका भरपूर आनंद उठाएं। आप लोग ऐसे ही ना बैठे रहें, विजिट करें स्टॉल भी और रजिस्ट्रेशन भी अवश्य कराएं। क्या सेना को राजनेताओं से जो राजनेताओं के बयान से जोड़ना, जो सेना को ले आते हैं अपने बयानों में, क्या आपको वो सही लगता है? क्या लगता है, क्या सही है सेना को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी होती है? सेना कभी किसी राजनीतिक दल का कोई हिस्सा नहीं है। सेना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिस्सा है और क्योंकि हमारा संविधान इतना लचीला है, अभिव्यक्ति की बोलने की आज़ादी दी हुई है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जब बोलते हैं तो शब्दों को तोल करके बोलिए कि बोलना क्या है। जवानों से उनके ऑपरेशन तक के सबूत मांगे जाते हैं आज के समय में, कैसे देखते हैं आप इस चीज़? फौज अपना काम करती है, किसी को दिखाती नहीं है बल्कि करके और ये क्योंकि जब हम क्योंकि हमारे ही तो बेटे और भाई हैं, सेना के अंदर जो सिपाही हैं सैनिक हैं। आप अगर मैं अपने शब्दों से किसी को बोलता हूं तो आप अपने बेटे और भाइयों को बोल रहे हो, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा संभल करके बोलिए। ये सेना हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हर सैनिक अपने लहू की आखिरी बूंद और अपनी आखिरी सांस को कुर्बान करता रहा है और करता रहेगा। आखिर में कुछ सेना के लिए, जवानों के लिए या देश के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी दो लाइनों में कुछ। मेरी सेना बहुत समृद्ध है, सशक्त है और हिंदुस्तान का वो सैनिक अपने देश और तिरंगे पर अभिमान करता है, जो वो वर्दी पहनता है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसे की वर्दी है और उस अपने वर्दी के उस किए हुए वादे को कायम रखता है, अपने आप को अपने देश पर कुर्बान करने के लिए तत्पर होता है। मेरे नौजवानों, सैनिक बनो, चाहे वर्दी पहन करके चाहे अपने अंतःकरण के अंदर सैनिक की सोच रख करके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।